सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी पहुंचे नगर पंचायत दूरना पार, जहां जल आवर्धन योजना के तहत 303.41 लाख की लागत से बन रहे पाइपलाइन विस्तार कार्य का भूमि पूजन किया एवं नगरवासियों को बधाई शुभकामनाएं देते हुए मंत्री कवासी लखमा के द्वारा कराए जा रहे हर विकास कार्यों को पूरा होते देख लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। हरीश कवासी ने भी अपने उद्बोधन में नगर पंचायत अंतर्गत सबसे पहली प्राथमिकता नगरवासियों को दी जाए, उनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान दें, नगर पंचायत नालियों की सफाई, बिजली, पानी की सभी छोटी बड़ी शिकायत पर तत्काल उसका समाधान किया जाए, जरूरत पड़ने पर और भी कर्मचारियों की भर्ती की जाए। और अंत में मुख्य शब्द यही रहा कि नगर स्वच्छ रहे, नागरिक स्वस्थ रहे। इस कार्यक्रम में पार्षदगण एवं कांग्रेस के कई कार्यकर्ता नेतागण समेत नगरवासी मौजूद रहे। सुकमा से संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट।